सच्चे दिल से साहिब को राजी कर, परमातम दिल तखत नशीन बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष बाप की दुआएं प्राप्त होने कारण समय प्रमाण उनका दिमाग युक्तियुक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही कर लेता है, क्योंकि यथार्थ कर्म बोल संकल्प होने कारण समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्तियुक्त होता है। समझा? कितनी अच्छी थी। सच्चे दिल वाले को क्यों यथार्थ टचिंग होती है, इतना लॉजिकली बात समझा कि सच्चे दिल वाले कि यथार्थ है ना, सच्ची है ना, तो सच्ची को राजी कर दिया। सच्चा दिल होने वाला सच्चा को राजी किया, तो इसलिए ये क्यों बन गया? कैसे देखेंगे सभी? सच्चे दिल मीन्स रियल, सच्चे दिल मीन्स रियल पुरुषार्थ है ना। एक्चुअली सच्चे दिल, इसलिए ऑनेस्टी तो बहुत छोटा एस्पेक्ट है सच्चे दिल का। रियल पुरुषार्थ मतलब उसमें हम सोचे कि जैसे सपोज कुछ कहा गया, इतना करो, इतना ये सेवा करो, उतना कर देना, लेकिन उससे भी कैपेसिटी मेरी उससे भी ज्यादा है, मैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकती हूँ ना। तो जिसका दिल सच्चा होगा ना, वो कैपेसिटी को फुल यूज, सच्चा है ना, तो पूरा कर सकता है वो। कहा बेशक उतना कहा गया। अब जैसे सपोज अभी सिंपल है, 4 दिन के लिए कहा, पर मैं आ सकती हूँ ना तो चलो 4 दिन कहा है, पर अगर मेरी कैपेसिटी है तो मैं ज्यादा करूं। तो सच्चा दिल मतलब रियल पुरुषार्थ। तो एक होता है कैपेसिटी को हम फुल यूज करें, तो इसलिए अगर किसी दिन नहीं किया तो भी लगता है कि रियली कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा अगर कैपेसिटी कर टाइम है, कैपेसिटी है, तो वो करेगा ही करेगा। तो नहीं कर रहा है मतलब जेन्यूनली, तो उसकी हर नहीं में भी सच्चाई है, इसको कहेंगे ना सच्चा दिल। और रियल पुरुषार्थ, जैसे ना मैं पुरुषार्थ में रियलिटी है कि मैंने सचमुच बहुत बेस्ट ट्राई किया, इसको कहेंगे सच्चा दिल। मैंने जो है मेरे मन में जो है जैसा है बोल दिया, ये सच्चा दिल नहीं है, पर मैंने रियली बहुत बेस्ट पुरुषार्थ किया, मैंने रियली बहुत कोशिश की, फुल कोशिश की, तो रियल पुरुषार्थ मतलब सच्चा दिल। और जब सच्चा रियल पुरुषार्थ होगा तो हमारे बोल भी कैसे होंगे, यथार्थ होंगे ना। यथार्थ पुरुषार्थ किया, यथा शक्ति भी नहीं, यथा यथार्थ पुरुषार्थ किया, तो बोल संकल्प कर्म तीनों भी यथार्थ होंगे फिर। अब जैसे मैं कहूंगी कि मैंने बहुत ट्राई किया नहीं हुआ, तो ये शब्दों में भी एक्यूरेसी है, वो संकल्प में भी एक्यूरेसी। अब संकल्प में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, नहीं नहीं भाई बोल दो ना कि मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा दिल रियली बहुत दिल था आने का आपके घर, पर नहीं आ पाई तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली तो वो था ही नहीं था दिल। तो वो शब्दों में और संकल्पों में डिफरेंस नहीं है। तो यथार्थ बोल, यथार्थ संकल्प, यथार्थ कर्म,
तो इसलिए क्या हो गया, यथार्थ, जहां यथार्थ होगा वो यथार्थ को राजी कर लेगा। तो बाप को राजी किया तो बुद्धि भी राइट टचिंग, इसलिए फिर बाबा भी उस आत्मा को राइट टचिंग दे। जैसे करते करते कभी हमको कुछ प्लान किया होता है, फिर आता है कि नहीं ऐसे करेंगे, फिर बेशक जाना वहां है लेकिन ऐसे जाएंगे, कभी ऐसी टचिंग होती है, होता है ना ऐसा, क्या है वो? तो वो यथार्थ टचिंग, जैसे बाबा टच कर रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, चाहे प्लानिंग कुछ और हो, चाहे कभी कभी जैसे वो था ना ग्राउंड जीरो अटैक, वो राम प्रकाश भाई बताते कि अनाउंसमेंट कुछ और हो रही थी, उनको हो रहा था कि नहीं मुझे ऐसी सीढ़ियों से जाना है, अनाउंसमेंट हो रही थी वही रुक जाओ, उन्होंने उनको टचिंग हो रही थी कि नहीं नीचे उतर जाओ, क्योंकि यथार्थ टचिंग। तो ये यथार्थ टचिंग होगा जब बाप को राजी किया है, और बाप को राजी एवरी मिनट के एक्शन से होगा ना, क्योंकि उसको तो सब कुछ पता है। तो इसलिए बाप को राजी करने के लिए कोई भी बहानेबाजी आदि नहीं चल सकता ना, भगवान को जहां राजी करना, और बुद्धि राइट टचिंग का पात्र बनती है। और दूसरा है सच्ची दिल, इसमें कंप्लीट शुभ भाव, अव्यर्थ भाव को भी शुभ भाव एंड भावना, जो बाबा ने अव्यर्थ भाव में भी शुभ भावना को में चेंज कर देना व्यर्थ के, उसका उसने जानबूझ के पुरुष वो नहीं किया, जानबूझ के फोन नहीं किया, दिखाई दे रहा है और एक्चुअली सच्चाई ये है, अब बाबा कहते हैं उसको शुभ भाव में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे उसको शुभ भाव? फिर हम फिर एक और अंदर डर रहता है, लोग ऐसे बुद्धू बना देंगे आपको, क्योंकि तुमको तो लगता ही नहीं है उसका कुछ गलत, दिखता ही नहीं है, और हमको सामने सामने दिखता है, तुम लोग तो तुमको तो कोई भी बुद्धू बना सकता है। हम बुद्धू नहीं बन रहे, हम समझदार बन रहे। बाबा ने कहा उसको चेंज करना है, व्यर्थ भाव को शुभ भाव में चेंज करो, उसके व्यर्थ भाव को हम नहीं चेंज कर रहे, हमारे व्यर्थ भाव को चेंज कर रहे। अब उसमें हमारा व्यर्थ भाव क्या होगा, ये ऐसा है, ये मांस ये इतना ऐसे करता है, इतने ऐसे जमाना ऐसा होता है, लोग ऐसे होते हैं, ये हमारे जो व्यर्थ भाव है ना, वो एक के कारण जनरलाइज। तो हमारी उसके प्रति समझ गए हम कि ये थोड़ा इस टाइप करता है, लेकिन समझ कर फिर आत्मा के प्रति इंप्रेशन नहीं है शुभ भाव, हमारे जो व्यर्थ भाव है उसको शुभ भाव में चेंज करना है, उसके व्यर्थ भाव का कनेक्शन हमारे से नहीं है, ऐसा ही है ना। तो अब हमारे जो शुभ भाव है समझ रहे हैं, अब हमको ये भी समझ में आता है इस आत्मा को हमारी भावनाओं की ज्यादा जरूरत है, तो वो पवित्र आत्मा है, वो हमारी तरफ से जो ब्लेसिंग्स हमें संकल्प करना है, समझ भी रहे हैं पर हमारा व्यर्थ भाव, तो इस तरह से ये शुभ भाव में हो सकता है चेंज। तो इसमें क्या बुद्धू बनाएगा लोग हमको, लोग बुद्धू बन रहे हैं मतलब बार बार उसके बारे में वैसे वैसे संकल्प करके, क्या कहते मैं तो पागल हो गई, नहीं होता है कभी, अब अगर कंटिन्यूसली किसी के लिए कुछ सोचते जाओ तो बुद्धू तो वो बन रहे, हम थोड़ी बन रहे। तो इसलिए व्यर्थ भाव को शुभ भाव में चेंज कर, तो हमारा सच्चा दिल तो उसमें सच्ची भावना है, तो हमारी व्यर्थ भावना नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं जनरलाइज कि दुनिया आजकल ऐसी है, जमाना बहुत ऐसे है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, सारे ही ऐसे हैं, मतलब मैं ये मेरे लिए व्यर्थ नहीं है, हमको क्या पता कि सारे ऐसे है, ये व्यर्थ है या समर्थ है, व्यर्थ ही है ना, क्यों हम सोचे कि सारे एक है दो है, और उसमें भी हो सकता है मेरा कुछ अकाउंट था, हो सकता है वो आत्मा बाकियों के लिए वैसे था, वैसे है ही नहीं,
तो ये इतना सा को इतना बना देना, ये व्यर्थ भाव। वेस्ट में क्या होता है? एक्सेस। तो शुभ भाव, पवित्र आत्मा, समझदार आत्मा, ऐसे संकल्प करना। बाकी फिर हमको पता है डील भी वैसे करेंगे उस, लेकिन उसकी हम उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे सुधरने का। कभी कभी हमारे व्यर्थ भाव उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते सुधरने का, क्योंकि हम इतना उसके इम्प्रेशन बना के रख देते हैं। तो अगर वो राइट भी करेगा ना, हमारा चश्मा अभी तक ग्रीन ही है, तो इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी देना है। तो होमवर्क यही करेंगे, हर कर्म में रियल पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ करें। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं ज्यादा कर सकती हूँ, तो मैं ज्यादा क्यों नहीं करूँ सेवा? ये नहीं इतना ही कहाँ, इतना ही मैं अगर सपोज 1 घंटा मुरली सुननी है, अगर मैं आधा घंटा और योग कर सकती हूँ, तो वैसे सपोज 1 घंटे के लिए अटेंडेंस है या, लेकिन मेरा आधा घंटा हो सकता है ना ज्यादा। रियल रियल करें, और फिर कभी नहीं होता है तो 15 मिनट भी सही, वो भी तो रियल है ना फिर, ठीक है ना। तो सच्चा पुरुषार्थ करे, रियल पुरुषार्थ करे। मैं सचमुच बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था, और कोशिश 2-3 बार भी नहीं, 2-3 बार ही किया। फिर बहुत मत बोलो ना, मैंने 2-3 बार कोशिश किया। लोगों का तो यही है ना, मैं सारा दिन आपको याद करती रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा 6 महीने हो गए कभी फोन नहीं किया, बोला सारा दिन आपको याद करती रहती हूँ। अभी ये कौन बुद्धू बन रहा है? ये बिल्कुल, ये बहुत ही अपने आप को ना क्या इम्प्रेशन, क्या स्टेटस में डालना है हम समझ सकते हैं इसको। मैं बोला सारा दिन बाबा को याद करती हूँ, कभी मुरली नहीं सुन रहे, ये भी नहीं हो। हर कर्म में रियल सच्चा पुरुषार्थ, मेकिंग दिस प्रॉमिस सबके साथ, मतलब चाहे वो एक संस्कार हो ना। और मुझे सच्चा रहना, क्योंकि मुझे बाप को राजी करना है। अब हमें इसमें ये भी नहीं कि दुनिया लोगों को, आजकल के जमाने में नहीं चलता, ये नहीं करता है, मुझे भगवान को राजी करना है। और राजी करने का फायदा क्या होगा? मुझे राइट टचिंग हो जाएगी। अगर सपोज वो आत्मा कुछ मेरा पैसा लेके डुबोने वाली है, पर मेरा संस्कार ही सच्चा का है, मैंने बाप को राजी किया है, तो उस समय बाप मुझे टचिंग नहीं दे सकेगा, देगा ना कि स्टॉप कर दो, ये नहीं हो। कुछ तो बाबा टचिंग करेगा ना, क्यों टचिंग करेगा? तो जहां दिमाग ज्यादा यूज होता है, तो बाबा ने, कल का ही था ना, नहीं परसों वाला था, कि बाबा फिर दिमाग वाला, विवेकशील और दिल वाला, भगवान दिल वाले के साथ। तो इस कारण ये वाला पुरुषार्थ करना है। और दूसरा, बाप की शक्तिशाली सकाश, ये इसमें तो हम, ये भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ है कि सारा समय उस सकाश के बीच में है, ठीक है। तो ये